YouTube चैनल कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो मैंने डार्क सर्कल्स की वीडियो बनाई थी, उसके बाद आप पार्ट टू बोल सकते हैं इसको। ये भी बड़े मसले मसाले वाली बात है। आजकल जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मियों की स्किन से रिलेटेड और फलां फलां वाले बड़े मसले मसाले होते हैं, लेकिन एक और मसला होता है जो हम सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ। ठीक है, अगर कोई बोले ना नहीं हमारे साथ नहीं है तो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनके साथ है ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या। ओके जी, सो ये नन्नी नन्नी फिटकरियां आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है जी, इसको फिटकरी बोलते हैं और ये बहुत छोटी सी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मेरे वॉशरूम वाली में लाना मुनासिब नहीं समझ रही थी, तो इतना बड़ा सा डेली सी टुकड़ा सा आपको मिल जाता है करीबी पंसारी के पास। फिटकरी की बात मैं क्यों कर रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे। फिटकरी क्या करती है, टाइटल में आप लोगों ने शायद देख लिया होगा कि मैं आज बात कर रही हूँ हमारे अंडर आर्म्स के बारे में। ठीक है, अंडर आर्म्स में हमारे स्वेटिंग हो जाती है, बॉडी ऑर्डर का मसला होता है जी, इनके साथ ऐसा होता है। अंडर आर्म्स डार्क भी होते हैं, चलो डार्क है वो फिर एक समझ में आ रहा है, लेकिन जो स्मेल है ना यार, वो चीज नहीं अच्छी होती है। चाहे आप लोग घर में रहने वाले हो, चाहे आप लोग प्रोफेशनल हो, काम कर रहे हो, कुछ भी, किसी भी आप प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो। हमें करना क्या है, गर्मियां आ गई, नेचुरल सी चीज है भाई, पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं लाइफ के साथ साथ, कोई मसले की बात नहीं है। आपने इतनी एक बड़ा सा फिटकरी का एक पूरा पीस लेना है इस तरह से, और आपने करना क्या है, उसको आप अपने वॉशरूम में रख दें। जब भी आप लोग शावर लेते हैं, सिंपल आपने शावर के बाद उसको गीला किया और अपने अंडर आर्म्स पे आपने अच्छे से उसको लगा दिया, लगाने के बाद आपने उसको वापस से रख दिया एंड वो खुद ही से ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद भाई आप उसके ऊपर फिर आप रोल ऑन लगा लो, आप अपना बॉडी स्प्रे लगा लो, आप परफ्यूम भर भर के लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन पहले ये चीज कर लो। नंबर वन, इससे क्या होगा, आपके अंडर आर्म्स जो डार्क है वो लाइट हो जाएंगे, स्किन के कलर को ये लाइट करती है। इसमें रिच 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 लाइटनिंग एजेंट मौजूद है। ठीक है, बाकी ये आपके पसीने को ना सक कर लेता है। ठीक है, आपके पसीने को ये सक कर लेता है। जब ये इतनी बड़ी सी होगी, जब आप उसको गीला करके अच्छे से लगाओगे, वो आपके सारे जितने भी पसीना होता है सक करता है। इसके साथ साथ उसकी जो आपकी स्मेल होती है ना अंडर आर्म्स की, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज, ऊपरी खूबसूरती के बारे में हम लोग भाग रहे होते हैं, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की गोरी नहीं तो छोरी नहीं। सो यार देखें क्या करना है, लड़की हो या लड़का हो, अंडर आर्म्स को क्लीन रखें, गर्मियां आ रही हैं, हम सबका इशू है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही मेरा नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, हम सबका इशू है, ट्रस्ट मी। अंडर आर्म्स को क्लीन रखें, वैक्स किया करें लड़कियां, लड़के जो भी करते हैं बस क्लीन रखा करें। ठीक है, आपने फिटकरी अप्लाई करनी है, इसके अलावा ड्यूड्रेंट स्टिक या रोल ऑन, तभी खुशबुएं देगा जब वो चीज क्लीन होगी। क्या होता है, जब हमारे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है तो हम यूज टू हो जाते हैं, हमें लगता ही नहीं, लेकिन दूसरा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि उनसे कोई अनकंफर्टेबल हो। ठीक है, कोई आपको डायरेक्टली बोलेगा नहीं, ये आपका काम है कि आप इस चीज को फील करो और देखो भाई इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो अंडर आर्म को क्लीन रखो भाई, फिटकरी का इस्तेमाल रखो, देन बॉडी स्प्रे फलाना ढिमाका जो भी चीजें लगानी है उसके ऊपर लगाओ तो खुशबू आएगी। अंडर आर्म गंदे, उसके ऊपर हम लगा रहे हैं रोल ऑन, उसके ऊपर परफ्यूम लगा रहे हैं, तो प्लीज यार ये करके देखो। आई होप आपको अच्छा लगे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मेरे साथ भी एक वक्त था इस तरह की प्रॉब्लम होती थी। गर्मियां आ जाती हैं, इंसान जो भी जॉब करते हैं वो 10-10 घंटे एक यूनिफॉर्म वेयर किए हुए होते हैं, एक शर्ट वेयर किए हुए होते हैं, एसी है एसी नहीं है, बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, यार 100 तरह की चीजें होती हैं, कोई बात नहीं। घर पे आते हो, शावर लो, ये फिटकरी वाला करो, फिर मुझे जरूर कमेंट्स में बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सबके साथ होता है, नेचुरल है, समझ गए जी। सो इंशाल्लाह ये मेरी खुद की अपनाई हुई चीज है, मैंने जिस जिसको रिकमेंड करा है उनके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आए हैं, उनको अच्छा लगा, उनके फीडबैक अच्छे, तभी मैं आपको बता रही हूँ, बहन पे यकीन रखो। ठीक है, सो आई होप आप सब करोगे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।